आजकल के टाइम पे कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो सिर्फ सोच रहे हैं कि अगर मूवी में ज्यादा पैसा लगा देंगे तो बहुत ज्यादा मूवी का कलेक्शन हो जाएगा और मूवी एक ब्लॉकबस्टर हो जाएगा। आदिपुरुष एक ऐसा मूवी था जिसको ऑडियंस बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बट हुआ कुछ अलग। 2022 के अक्टूबर 2 तारीख को एक छोटा सा 1 मिनट 46 सेकंड की टीजर ने मूवी को पूरा ही बेकार कर दिया। फिर मूवी का रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया, लेकिन ऑडियंस को यह टीजर पसंद क्यों नहीं आया? प्रभास के लिए जो बार बार फ्लॉप मूवी लेके आते हैं, बाहुबली के बाद प्रभास का आया था साहू जो फ्लॉप में साबित हो गया। फिर साहू के बाद आया राधे श्याम जिसका बजट था 200 करोड़, बट मूवी ने कमाया था सिर्फ 100 करोड़ से अंदर, तो ये मूवी एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप साबित हुआ। फिर आया आदिपुरुष की टीजर जो ऑडियंस को पसंद नहीं आया। इसमें प्रभास की कुछ गलती नहीं है, सब गलती है डायरेक्टर ओम राउत की, क्योंकि इस मूवी का जो टीजर था पूरा कार्टून के जैसा था। 500 करोड़ की बजट बट मूवी देखो कार्टून की तरह, और ये गलती की वजह से डायरेक्टर ओम राउत एंड प्रभास को बहुत ही गालियां पड़ता पब्लिक की तरफ से। और ये जो वीएफएक्स वाला झिंझट था ना, ये सब कभी खत्म होने वाला है क्योंकि सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए हैं डायरेक्टर ओम राउत ने। तो गाइस अभी आपको जैसे पता है कि आदिपुरुष का और एक नया पोस्टर आ चुका है जिसमें प्रभास की लुक को देखकर लग रहा है कि भाई असली रामायण तो अभी शुरू होने वाला है। ये पोस्टर को देखकर और भी एक बात लग रहा है कि आदिपुरुष की टीम अभी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इस मूवी के ऊपर, क्योंकि जितना भी गालियां पड़ा था इसका वीएफएक्स को लेकर, एंड अभी वो सब सुधरने वाले हैं। और पोस्टर के साथ जो बीजीएम बज रहा है पूरा रामायण के राम जैसा फील करवा देती है, और ये पोस्टर ऑडियंस को काफी पसंद आया है। अगर ये पहले से होता ना तो डायरेक्टर ओम राउत एंड प्रभास को इतना गालियां नहीं होता। तो गाइस मूवी के ऊपर बहुत ही जोर शोर में काम चल रहा है, क्योंकि डायरेक्टर ओम राउत ने खुद ऑफिशियली अपडेट दिए हैं कि ये मूवी जून के महीने में रिलीज होने वाला है, इस साल 2023 की जून में रिलीज होने वाला है। और भी एक बात वो कन्फर्म कर दिए हैं कि जैसे टीजर को ऑडियंस की तरफ से बहुत ही गालियां मिला था, और इसका ट्रेलर जब आ जाएगा ऑडियंस देख के पूरा पागल हो जाएंगे। आप लोग जितना गालियां दिए थे इसका टीजर को, अभी ट्रेलर में उससे बहुत ज्यादा प्यार ही देने वाले हो। तो गाइस आदिपुरुष का बजट था 550 करोड़, एंड अभी उसमें 100 करोड़ ऐड हो चुका है क्योंकि मूवी की फिर से वीएफएक्स के ऊपर काम चल रहा है। तो फाइनल गाइस इस मूवी जो टोटल जो बजट होने वाला है वो 600 करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है, मतलब कि इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा मूवी होने वाला है। तो ये मूवी जब जून में रिलीज हो जाएगा इसका जो कलेक्शन रहेगा ना वो बहुत ही तगड़ा कलेक्शन रहेगा, क्योंकि मूवी का कहानी है रामायण के ऊपर। अगर वीएफएक्स थोड़ा सा सही हो गया और ये मूवी जब जून में रिलीज हो जाएगा, अगर इसका वीएफएक्स सही रहेगा, मूवी का कहानी तो रामायण के ऊपर है, तो ये मूवी का कलेक्शन बहुत ज्यादा होने वाला है। तो गाइस अगर आदिपुरुष की वीएफएक्स ठीक ठाक रह गया, ऑडियंस को काफी पसंद आया, तो मूवी की कहानी तो रामायण के ऊपर, क्या ये मूवी बाहुबली 2 एंड केजीएफ 2 आरआर का रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, ये मेरे को कमेंट करके बताना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगले एक नई वीडियो में, बाय।